हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का। जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपको सवाल दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आ जाता है, नहीं तो ये 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये कई बार सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम सोचे कि इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना दें। तो ज्यादा देर का ये वीडियो नहीं होगा, इसको आप लोग कंप्लीटली देख लीजिए और इसको सीख लीजिए बनाने के लिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और ये पूरा समझ में आप लोग को जरूर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को, देख लीजिए 0 से π/2 लिमिट है, log sin x dx, यहाँ पे cos भी रहेगा ना तो भी क्या होगा, सेम इंटीग्रेशन सेम है, इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट मान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए हम इसको बता रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे समझिएगा, आई बराबर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाना है, क्या लगाना है, किंग प्रॉपर्टी, इसमें किंग प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 0 से a हो, ठीक है, और fx dx आपका रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 से a लिखना है, दोनों लिमिट को जोड़ देना है, क्या करना है, दोनों लिमिट जोड़ना है, मतलब 0 + a करेंगे तो a ही हो जाएगा, माइनस में x·dx, ये आपका किंग प्रॉपर्टी कहता है। यही प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत सारा इसमें प्रॉपर्टी यूज होगा और सारा हम प्रॉपर्टी और जितना है इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला हम बता चुके हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं पूरा इंटीग्रेशन का एक एक फॉर्मूला का हम एक वीडियो सेपरेटली बना चुके हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, सेम हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, sin π/2 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अब i बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 0 से π/2 हो जाएगा, और ये log जो है ना यहाँ पे sin के जगह पे cos हो जाएगा, क्योंकि cos 90 - θ, सॉरी sin 90 - θ क्या होता है, cos θ। तो इसको सेकंड इक्वेशन आपको मान लेना है। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा वो देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग जोड़िए और समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे 2i हो जाएगा ना, देखिए 2i हो जाएगा, क्योंकि i ये वाला और i ये वाला 2i हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका आएगा 0 से π/2 आ जाएगा, log sin x है ना, log sin x प्लस में log तो cos x आ गया है, log cos x हो जाएगा इंटू में आपका dx हो जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए 2i बराबर जो हो जाएगा 0 से π/2, ये लॉग अगर जोड़ में रहता है ना तो गुना में हो जाता है, क्या हो जाता है, गुना में, ठीक है, सबको पता होगा ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ के बाद देखिएगा आगे क्या करने वाले हैं। अब यहाँ के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर हम इसमें 2 से गुना भाग कर दें फार्मूला पे बनाने के लिए, तो देखिए तो 2i बराबर जो मेरा हो जाएगा, इसका स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको उतार भी आप लोग लीजिएगा कॉपी में ताकि आपको याद हो जाए कैसे बनाना है। अब 2 से गुना भाग कर देंगे ना इसमें तो 2 sin x·cos x हो जाएगा, फॉर्मूला पे आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पे ये आ जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए 2i बराबर जो हो जाएगा 0 से π/2 log, लग रहा है कि ये sin 2x हो जाएगा, है ना, ये पूरा क्या हो गया मेरा, फॉर्मूला पे आ गया, ये पूरा फॉर्मूला पे आ गया, sin 2x/2 हो जाएगा इंटू में dx। तो अब देखिए तो 2i बराबर जो हो जाएगा मेरा 0 से π/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर बाई में है बटा में तो इसको हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से, है ना, इंटू dx। अब यहाँ के बाद देखिए 2i बराबर जो मेरा हो गया 0 से π/2 लॉग sin x/sin 2x dx हो गया, माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन करें। अब यहाँ के बाद देखिएगा log 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर देते हैं, 0 से π/2 dx हो जाएगा, है ना, 2y बराबर जो मेरा आ जाएगा, बस समझते रहिए, समझ में आ जाएगा, आप लोगों को खुद से भी बना लेना है, log sin 2x हो जाएगा इंटू में dx। अब यहाँ के बाद देखिए dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो log 2 dx का x और अपर माइनस लोअर इसमें रख देंगे। अब यहाँ के बाद देखिए 2i बराबर जो मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 से मेरा जो आ जाएगा π/2, है ना, 0 से π/2 log आपका क्या हो जाएगा sin 2x dx, माइनस में आप अपर माइनस लोअर रखिए, क्या हो जाएगा π/2 - 0 π/2 हो जाएगा π/2 log 2।
इसको इक्वेशन नंबर हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए हम क्या करें, अब यहाँ के बाद जो हम करने वाले हैं वो समझिएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट आई वन मान लेते हैं इसको, और इसको सॉल्व कर लेंगे जीरो से। ये लॉन्ग सवाल है, ठीक है, इसलिए पांच नंबर के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। लॉग साइन टू एक्स dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x को t मान लेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे, या पुट करेंगे, पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे, t बराबर 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो dt बराबर जो मेरा आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2dx आ जाएगा, है ना। अब अपर लोअर लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबको पता है ना, i1 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है ये वाला जीरो, लोअर लिमिट क्या है जीरो है, ठीक है। अगर x जीरो रखेंगे इसमें, ठीक है इसमें, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट चेंज करना आता है ना सबको, t का वैल्यू जीरो। अगर x का वैल्यू पाई बाई टू रखें तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, t का वैल्यू पाई हो जाएगा, यानी मेरा लिमिट चेंज हो गया जीरो से पाई हो गया, log क्या हो गया sin t हो गया, और d dx का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो dt बाई आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए तो i1 बराबर मेरा जो हो गया 1 बाई टू बाहर हो गया, और 0 से पाई बाई टू log sin t हो गया, लगेगा कि लॉन्ग जा रहा है, ठीक है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पांच नंबर के लिए, इसलिए बहुत ही खास है, समझ लीजिए इसको, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ के बाद जो है आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर दिए, यहाँ पे लिमिट जो है मेरा पाई है, ठीक है, लिमिट जो है मेरा पाई है। अब यहाँ के बाद देखिएगा आप लोग समझिएगा, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जीरो से कोई टू ए दिया हुआ है, ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स है, समझिएगा ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, दो बाहर आ सकता है जीरो से, ए होगा एफ एक्स डी एक्स, कब होता है ये, जब हमारा अगर हमारा क्या रहता है यहाँ पे टू ए माइनस ए करते हैं, एफ टू ए वेन लिख देते हैं, वेन टू ए माइनस एक्स आप लोग करेंगे तो वापिस से एफ एक्स आ जाए, तब जाके आपका टू बाहर हो जाता है, एक जीरो आ जाता है, एक जीरो आता है कब, जब आपका टू ए माइनस एक्स जैसे आप करिएगा तो अगर आपका माइनस बाहर आ जाए एफ एक्स में तो ये आपका इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है, ऑड इवन की तरह ये भी काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको पता होना चाहिए, किसका एक प्रॉपर्टी, डिफिनिट इंटीग्रेशन का, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया इसको, और ये घूम फिर के कभी ना कभी आपका कुछ ना कुछ ईयर में आ ही जाता है ये सवाल, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखिए यही सवाल यहाँ पे आप लोग लगाएंगे, तो अगर हम पाई माइनस टी करेंगे इस क्वेश्चन में तो आई वन का जो वैल्यू आ जाएगा मेरा, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, आई वन का जो वैल्यू मेरा आएगा, ये जैसे साइन पाई माइनस टी करेंगे, साइन पाई माइनस टी जो हो जाएगा आपका साइन टी ही हो जाएगा, तो इसमें से हम वन बाई टू इसको लिख सकते हैं, टू इंटू पाई बाई टू और लॉग साइन टी लिख देते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन टी डी टी। अब यहाँ के बाद देखिएगा आप लोग, इसको इधर हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे दो बाहर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी से, जो हम यहाँ पे आपको लिखवाए हैं ये प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से आपका दो बाहर हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस टी करिएगा तो साइन टी ही हो जाएगा, वापिस से फंक्शन ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो वन बाई टू इंटू टू, यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए दोबारा से इसको अच्छे से चला के देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी पे लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए दो बाहर हो जाएगा, तो पाई को हम लोग टू इंटू पाई बाई टू लिखे हैं। अब यहाँ के बाद जीरो सर पाई बाई टू हो गया, लॉग साइन टी हो गया, लॉग साइन टी आपका डी टी हो गया, दो से दो कट जाएगा, तो आई वन बराबर जो मेरा आ गया, अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, t है, ठीक है, t के रूप में है तो हम लोग इसको x के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि हम लोग फंक्शन t का है तो x में बदल सकते हैं, लिमिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहला प्रॉपर्टी p1 प्रॉपर्टी, ठीक है, हम बताए थे उसमें पहला प्रॉपर्टी में। अब यहाँ के बाद देखिए आई वन बराबर, वापिस से आपका पूरा क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए, देख लीजिए ये पूरा क्वेश्चन ही मेरा क्रिएट हो गया, मतलब I1 बराबर क्या गया मेरा I। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे,
हम इसको तो आई मान लिए थे ना, इसको हम क्या माने थे, हम लोग मान लिए थे इसको आई वन माने थे इसी को, तो मेरा आई वन बराबर क्या आ गया, आई आ गया। तो हम पुट कर देते हैं किसमें, ए में। जैसे पुट करेगा ए में तो टू आई बराबर इसका पूरे का वैल्यू क्या आ गया मेरा, आई आ गया ना, माइनस में पाई बाई टू लॉग टू हो गया। अब इधर आएगा तो आई आई घट जाएगा, तो आई बराबर जो आपका आ जाएगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा, यहीं तक इसका आंसर एंड होता है, ये फाइनल आंसर है। अगर आपका यहाँ पे कॉस भी रहता तो सेम आंसर आता, साइन टू एक्स भी होता तो सेम आंसर आता, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा से आप लोग बना लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही जल्द आने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग को हम करवाते रहेंगे।